हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आपका फिल्मी फाइल में स्वागत है। तो दोस्तों, बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपनी एक्टिंग से सभी के दिलों पर राज किया है, जिसने अपनी बेहतरीन अदाकारी से सभी का दिल जीता है और कई राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किए हैं, जी हाँ दोस्तों, वो और कोई नहीं राजकुमार राव हैं। राजकुमार राव की अपकमिंग मूवी हिट द फर्स्ट केस ग्लिम्स ऑफ विक्रम का ट्रेलर आ गया है। तो दोस्तों, देखते हैं कैसा है इस मूवी का ट्रेलर और आपके साथ शेयर करते हैं इस मूवी से संबंधित जानकारी। 4, 3, 2, go। एशियन क्वांटी सीरीज। ओहो शिट, तुम्हारा करंट जॉब सिनेरियो तुम्हारी पास की मेमोरीज को बार-बार ट्रिगर कर रहा है एंड दैट्स व्हाई यू गेट दिस पैनिक अटैक्स। अच्छा, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं इनको। ललेश मैं डिपार्टमेंट नहीं छोड़ सकता। ओके, नाइस। हिट द फर्स्ट केस रिलीज 15 तारीख को आएगी। सॉलिड सॉलिड सॉलिड, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब राजकुमार राव जिस मूवी में आते हैं उसमें कमाल मचा देते हैं, क्योंकि उनकी जो अदाकारी है, जो एक्टिंग है, वो बहुत इंटेंस और इतने अच्छे रोल करते हैं कि मज़ा ही आ जाता है। और मूवी की स्टोरी भी अच्छी है इसकी, क्योंकि इसमें जो स्टार्टिंग का जो सीन दिखाया गया था वो इतना बढ़िया था कि राजकुमार राव एक जाली के पीछे खड़े हैं और उनको मतलब पीछे के विजुअल आते हैं कि वो पेट्रोल से जला दिया जाता है, उनकी आइस में भी आग की झलक दिखाई देती है, रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जो कि बहुत ही इंटेंस, इतना ख़तरनाक सीन था। 50 सेकंड के इस ट्रेलर में मोटा मोटा इन्होंने बता दिया है कि जो राजकुमार राव का कभी कोई जो एक्सीडेंट या कुछ इंसिडेंट हुआ है उसके साथ, उसकी थोड़ी थोड़ी झलक इनके यहाँ आती रहती है, इनको पैनिक अटैक्स आते रहते हैं, मतलब पिछली यादें उनको परेशान करती रहती हैं, वो अपनी वर्किंग लाइफ में भी होते हुए। आई थिंक गवर्नमेंट जॉब ये कर रहे हैं और जॉब करते करते इनको काफ़ी परेशानी भी हो रही है। जो इनकी बैक स्टोरी है उसी पर ही बेस्ड ये मूवी होगी। तो दोस्तों, देखते हैं कि अगला ट्रेलर कब आता है इसमें, जिसमें कि हमें पूरी तरीके से स्टोरी रिवील की जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।